नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक। बिहार आवर में आपका स्वागत है। आज 7 जुलाई और बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस के 6100 पद पर निकाली भर्ती। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस के करीब 6000 पद पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए कुल 6100 पदों पर भर्ती नियुक्ति की जाएगी। इस पदों के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस आज यानी 7 जुलाई से शुरू हो चुकी है। इच्छुक कैंडिडेट 26 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक कैंडिडेट्स के साथ ही उम्र 20 साल से लेकर 28 साल के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट की ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। SECL में डंपर ऑपरेटर समेत 428 पदों पर भर्ती। दक्षिण पूर्वी कोलफील्ड लिमिटेड में डंपर ऑपरेटर, डोजर ऑपरेटर समेत विभिन्न पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 7 जुलाई खत्म हो जाएगी। ऐसे कैंडिडेट्स जो कि इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर पाए, एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी तरह से ऑफिशियल वेबसाइट www.secl.cil.in के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए 428 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स 8वीं, 10वीं, 12वीं पास होने चाहिए। पदानुसार एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए। RINL ट्रेड अप्रेंटिस के 319 पदों पर भर्ती निकाली। राष्ट्र इस्पात निगम लिमिटेड की कॉपरेट इकाई विशाखापट्टनम स्टील प्लांट ट्रेड अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए कुल 319 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 17 जुलाई तक की जा रही है, जिसे योग्य और इच्छुक कैंडिडेट्स इन पदों के लिए तय तारीख की ऑफिशियल वेबसाइट visagstwl.com के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स के पास संबंधित ट्रेड में NCVT का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। बिहार पुलिस में खिलाड़ियों के लिए बम्पर नौकरियां। बिहार पुलिस ने स्पोर्ट्स कोटे के तहत सिपाही और अंडर पुलिस इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। इन पदों के लिए अभ्यर्थी बिहार पुलिस के अधिकारिक वेबसाइट bihar.bah.nic.in पर जारी नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद आवेदन कर सकते हैं। सिपाही के पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास अनिवार्य है। वहीं पुलिस अवनिरीक्षण के पद के लिए अभ्यर्थी के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में एजुकेशन के साथ ही ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही अभ्यर्थी राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लिए हो। उन पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की उम्र 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अभ्यर्थियों को सरकार के नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट भी दी गई है। देश में बीते दिन 34,2600 केस आए सामने, 552 की हुई मौत। देश में मंगलवार को कोरोना के 34,2600 सामने आए मामले। इस दौरान 51,827 लोगों ने कोरोना को मात दी, जिसमें से 552 लोगों ने संक्रमण की वजह से जान गंवाई है। बीते दिन आए कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा घटके 111 दिनों में सबसे कम रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा 16 मार्च को कोरोना के 28,869 मरीज मिले थे। वहीं रोजाना होने वाली मौतों में कमी रिकॉर्ड की गई। बीते दिन संक्रमण की वजह से जान गंवाने वालों का आंकड़ा पिछले 3 महीने में कम सबसे रहा है। इसमें पहले 3 अप्रैल को 514 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई थी। 24 घंटे में 16 जिलों में एक भी नया मामला नहीं, 22 जिलों में 76 पॉजिटिव मिले। बिहार में कोरोना अंडर 100 है। मंगलवार को 16 जिलों में नया मामला सामने नहीं आया, जबकि 22 जिलों में 76 नए मामले सामने। एक्टिव मामलों की संख्या भी बढ़ रही है, साथ रिकवरी रेट भी बढ़ गई। राज्य में एक्टिव मामले की कुल संख्या 1,304, रिकवरी रेट बढ़कर 98.49% हो गया है। बिहार में 8 जिलों में ऐसे है जहां 24 घंटे में मात्र एक भी नया मामला सामने नहीं आया। साथ ही अरवल, बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, नवादा, शेखपुरा और सुपौल समेत अररिया, मुजफ्फरपुर में 2-2 नए मामले सामने आए। ब्लैक फंगस के बीच मरीज को कोरोना संक्रमण, 2 महीने में कोरोना का डबल अटैक। राज्य में ब्लैक फंगस का चौंकाने वाला मामला सामने आया। जी हां, मामला ब्लैक फंगस के बाद कोरोना के संक्रमण का है। 2 माह में कोरोना के डबल अटैक से हड़कंप हुआ। यह मामला पहला है जहां से ब्लैक फंगस के बीच मरीज को कोरोना का संक्रमण हुआ। सोमवार को पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद संक्रमित को कोरोना वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। दूसरी तरफ संक्रमण में आए मरीजों के साथ लगभग 50 हेल्थ वर्करों की कोरोना जांच की तैयारी की जा रही है। शुरू होगा मुख्यमंत्री का जनता दरबार 12 जुलाई से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार 12 जुलाई शुरू होगा। हफ्ते में हर सोमवार को मुख्यमंत्री जनता दरबार से रूबरू होंगे। इसमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। आपको बताया पिछले हफ्ता 4 KG मुख्यमंत्री सचिवालय में बन रहे जनता दरबार के सेट का मुआयना करने CM पहुंचे थे। तब से ही क्यास लगाए रहे थे जल्द ही जनता दरबार की शुरुआत हो सकती है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आई कि CM 12 जुलाई से जनता की समस्याएं सुनने के लिए बैठेंगे। जनता दरबार में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जाएगा। शारीरिक दूरी, मास्क, सैनिटाइजर समेत अन्य एहतियातों की व्यवस्था के अनुसार परिहादी की जाएगी। इसको लेकर अधिकारी की बैठक भी की जा रही है। जमीन से जुड़े 27 तरह के दस्तावेज होंगे डिजिटलाइज। बिहार नशबंदी से हुए दस्तावेजों के डिजिटलाइजेशन और स्कैनिंग की योजना इस महीने के अंत या अगस्त के पहले हफ्ता शुरू हो जाएगी। साथ ही
CBSPL नामक एजेंसी की उसकी जिम्मेदारी दे दी गई। सोमवार को एजेंसी ने पूरी प्रक्रिया के प्रेजेंटेशन के जरिए दिखाया। अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह और सर्विक निदेशक जय सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने इसे देखा। प्रयोग के तौर पर एजेंसी का सुपौल जिला के पिपरा में 15 जुलाई से शुरू होगी। आधुनिक अभिलेखा के दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही होगी। साथ ही काम संतोषजनक रहा तो अभिलेखाकारों का काम दिया जाएगा। कोसी का हल्का दबाव भी नहीं झेल सका। 8 करोड़ की लागत से बना तटबंध। बीरपुर समेत नवगछिया आंडो मंडल के दर्जन भर गांव को जल प्रलय से बचाने के लिए बनाए गए कोसी वाच तटबंध टूट गया है। जी हां, दयालपुर गांव के पास 50 मीटर में धसान आ गया है। इससे इलाके में हड़कंप मच गया। हरियो गांव के लिए NH-106 तटबंध के निर्माण मरम्मत पर 8 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। यह कार्य कोसी का हल्का दबाव भी नहीं झेल पाया। धसना की सूचना पर विभाग के वरीय पदाधिकारी अभियंता पहुंचे। गनीमत रही कि कोसी नदी का जलस्तर कम रहने के कारण बांध में दूसरी ओर पानी नहीं आ पा रहा, अन्यथा जल प्रलय आ जाती। परिवार का एक व्यक्ति सरकारी नौकरी में तो दूसरे को अनुकंपा लाभ नहीं। बिहार के पटना हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय से स्पष्ट किया है कि यदि परिवार के एक सदस्य सरकारी नौकरी में है तो परिवार के दूसरे सदस्य को अनुकंपा का नौकरी नहीं दी जा सकती है। जस्टिस द्वारा डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय ने हरेश की ओर से दायर में याचिका की सुनवाई में कोर्ट को बताया कि आवेदक के पिता पुलिस विभाग में थे। नौकरी में रहने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी के लिए आवेदक ने विभाग को आवेदन दिया था, लेकिन विभाग ने उनके आवेदन को मंजूर नहीं किया। गया विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला पर दूसरे साल भी संशय। कोरोना के कारण अभी मंदिर बंद है। भक्त बाहर से ही पूजा कर वापस चले जाते हैं। ऐसे में बिहार के गया में हर साल लगने वाले पितृपक्ष मेला का संशय बरकरार है। इसको लेकर मुख्यमंत्री भी चिट्ठी लिखी गई है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व माना जाता है। पितृपक्ष में पितरों को याद किया जाता है। यह पखवाड़े तक अपने प्रियजनों को श्राद्ध और तर्पण करने की परंपरा रहती है, लेकिन इस साल मोक्ष नगरी गायकी में आगामी 19 सितंबर से 6 अक्टूबर तक चलने वाले विश्व पितृपक्ष मेला 2021 के आयोजन पर संशय बना हुआ है। बिहार सरकार के द्वारा पितृपक्ष मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिया जाता है। ऐसे में मेले के आयोजन को लेकर श्री विष्णु पद के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर मेले के आयोजन की अनुमति मांगी गई है। बुजुर्ग और शारीरिक रूप से लाचार लोगों को घर पर ही लगेगा टीका। अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग है, वे शारीरिक रूप से लाचार है, तो आपको कोरोना वैक्सीन की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके एक फोन पर टीका एक्सप्रेस आपके घर पहुंचेगा और आपके ऐसे बुजुर्ग सदस्य को घर पर ही कोरोना वैक्सीन दिया जाएगा। इसका नाम वयोवृद्ध टीकाकरण एक्सप्रेस रखा गया। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी और बहुत जल्द टीकाकरण का अभियान शुरू हो जाएगा। इसकी औपचारिक शुरुआत पटना में कर दी गई है। श्री कृष्ण पुरारी के द्वारा इसके लिए वयोवृद्ध महिला को उनके घर पर टीका एक्सप्रेस भेजकर वैक्सीन दिलवाई गई। दरअसल प्रधान सचिव प्रदेश अमृत को इस बात की जानकारी तब मिली जब बहुत बुजुर्ग शारीरिक रूप से लाचार होने के कारण टीकाकरण केंद्र वैक्सीन लेने में सक्षम नहीं थे। तब उन्होंने पटना में सिविल सर्जन डॉक्टर विभव कुमार या DPM को इस तरह का टीकाकरण नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का निर्देश दिया। प्रधान सचिव ने एक नंबर की जारी करने का निर्देश दिया ताकि लाचार लोग उस नंबर पर फोन करके टीकाकरण केंद्र के घर पहुंचे। मोतिहारी में बाढ़ का कहर, मोहल्लों में घुसा पानी, लोगों ने विधायक को घेरा। मोतिहारी जिले में बाढ़ का कहर जारी। गांव के साथ शहरी क्षेत्रों में पानी लगातार फैल रहा है, इससे लोगों की मुश्किलें बढ़ते जा रही है। पानी के तेज बहाव के कारण लोग ऊंचे स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। खासकर नगर निगम मोतिहारी के निचले हिस्से में पानी का कहर अधिक है। कुआरी देवी चौक, मथिया नल छेद, टोला, गांधी नगर, रामला और खुदा नगर, न्यू अरवा, चांदमारी व खुशबू नगर सहित कई इलाकों में पानी फैल रहा है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। सगवाली में बाढ़ पीड़ितों का दर्द राहत कार्य नहीं मिलने से बढ़ने लगा है। उनका सब्र भी अब टूट रहा है। रविवार की देर शाम को शुक्रपाड़क पंचायत के बाढ़ पीड़ितों ने उग्र होकर राहत नहीं देने को लेकर अपना विरोध जताया। इस दौरान मारगढ़वा से लौट रहे स्थानीय विधायक ई शशिभूषण सिंह का जनता लोक के द्वारा समीप घेर लिया गया। पुलिस ने हस्तक्षेप कर मामले को शांत करवाया। गरीबों को नवम्बर तक मिलेगा 5 किलो मुफ्त अनाज। महामारी के कारण चल रहे संकट के दौरान भारत सरकार के द्वारा की गई महत्वपूर्ण घोषणाओं में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के 5वें चरण को लागू कर दिया गया। जुलाई से नवंबर तक लाभुकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न के अतिरिक्त 5 किलो खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाएगा। जी हां, इसके लिए 21.77 लाख MT अतिरिक्त खाद्यान्न का वितरण किया गया। इस तरह भारत सरकार के द्वारा 5 महीने वितरित किए जाने वाले कुल खाद्यान्न की मात्रा 14.97 टन कर दी गई है। AFCI के द्वारा बिहार केंद्र के महाप्रबंधक संजीव कुमार भदानी ने मंगलवार को अपने कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इसकी आधिकारिक घोषणा की। स्वास्थ्य प्रशिक्षक की गोली मारकर हत्या, नक्सली एरिया कमांडर से आई थी धमकी भरी चिट्ठी। लखीसराय के रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र अंतर्गत सिहारी रेलवे संपार के समय अज्ञात अपराधियों के द्वारा सदर अस्पताल के स्वास्थ्य प्रशिक्षक शेखपुरा जिला के कटाई निवासी स्वर्गीय अर्जुन सिंह के 54 वर्षीय पुत्र अनिल कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की खबर सुनते सिविल सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौधरी, सदर अस्पताल के उपाध्यक्ष डॉक्टर विपिन कुमार, चिकित्सक डॉक्टर कुमार सहित रहे थे। साथ ही
रामगढ़ चौक पीएफसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कंचन, सदर अस्पताल के प्रबंधक नंद किशोर भारती सहित अन्य सदर अस्पताल पहुंच अनिल कुमार की हत्या पर गहरा शोक प्रकट किया है। साथ ही पुलिस ने हत्या के संलिप्त हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस कर्मी अब पति पत्नी एक ही जिले में ले सकेंगे पोस्टिंग। बिहार में पुलिस कर्मी पति पत्नी का एक ही जिले में स्थानांतर हो जाएगा। साथ ही पुलिस मुख्यालय के कार्मिक शाखा की ओर से एक आदेश जारी कहा गया कि राज्य पुलिस में कार्यरत दंपतियों का यथासंभव एक ही जिला से एकाइज में पद स्थापित करने के लिए मामले में सहानुभूति पूर्वक विचार किया जा सकता है। ऐसे मामले में अन्य प्रावधानों पर विचार किया जाता है। विभाग की ओर से कहा गया कि सरकारी सेवा में कार्यरत केवल उन्हीं पति पत्नी के मामले में विचार किया जाएगा जिन्हें दोनों की सेवा ट्रांसफरेबल हो गई। इसके साथ ही पति पत्नी दोनों के बिहार पुलिस में कार्यरत रहने की स्थिति एक ही जिला इकाई में पदस्थापना के लिए दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर के साथ उचित माध्यम से सक्षम प्राधिकार को आवेदन देना होगा। तभी लोगों को ऐसे जिले की इकाई में स्थापित किया जा सकेगा जहां वे पहले नहीं रहे, इसके लिए 5 विकल्प दे सकेंगे। उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, हवाई सर्वेक्षण करे सीएम नीतीश। नेपाल से निकलकर उत्तर बिहार आने वाली नदियों के जल अधिग्रहण क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है। इसकी वजह से पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर में बाढ़ आ गई है। इससे प्रभावित लोगों की स्थिति और उन्हें दी जा रही मदद के बारे में जानकारी के लिए सीएम नीतीश कुमार बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करें। इनके साथ जल संसाधन व सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा भी है। जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने बताया कि सीएम 2 चरण सर्वे करें। साथ ही पहले चरण के पूर्वी चंपारण व पश्चिम चंपारण के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे। इसके बाद दूसरे चरण सीधा सीतामढ़ी व मुजफ्फरपुर को देखेंगे। कैमूर जब्त वाहनों की 3 चरणों में होगी नीलामी। राज्य में शराबबंदी लागू होने के बाद शराब के अवैध कारोबारी के द्वारा अन्य प्रांतों से कैमूर जिले में शराब की खेप लाई जा रही। इन कारोबारियों पर नजर रखने के लिए जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस व उत्पाद विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई के क्रम में अवैध शराब पर बरामद करते वाहनों को जब्त कर लिया जा रहा है। साथ ही कारोबारियों के लिए गिरफ्तार भी जेल भेजा जा रहा है। जब्त किए गए वाहनों को विभाग नीलाम करने की तैयारी में जुट गई। इसके लिए सारी व्यवस्था पूर्ण कर ली गई। शराब के अवैध कारोबार को जब्त किए जा रहे वाहनों में 650 वाहनों की नीलामी करने की आगामी 8 जुलाई से 10 जुलाई तक तिथि का निर्धारण किया गया है। मुजफ्फरपुर गया के लोगों को मिलेगी राहत, सीएनजी और एलपीजी का विकल्प। अगले वर्ष तक गया और मुजफ्फरपुर के लोगों को पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत से कुछ राहत मिल सकेगी। जी हाँ, इसके साथ ही कुछ राहत एलपीजी की कीमत से भी मिलेगी। इसकी वजह से सीएनजी और पीएनजी के पाइपलाइन सीएनजी से वाहनों को चलाना पेट्रोल और डीजल के मुकाबले फिलहाल रास्ता साफ है। यही बात है कि पीएनजी के बारे में कही जा सकती। बताया जा रहा है कि अगले साल तक दोनों शहरों में सीएनजी और पीएनजी पाइपलाइन पहुंचाई जाएगी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव में पटना व गया मुजफ्फरपुर शहर के वायु प्रदूषण की जांच को लेकर गठित कमेटी की बैठक में इंडियन ऑयल तथा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों ने इस बात की जानकारी दी। ग्रामीण इलाकों में स्थित हॉस्पिटल की पीआईसीयू पटना एम्स में डिजिटली कनेक्ट होंगे। पटना एम्स के डॉक्टर बिहार के ग्रामीण इलाकों में पीआईसीयू में भर्ती मासूमों के दिल की धड़कन सुनकर उनका इलाज कर सकेंगे। मासूमों की रिपोर्ट और पटना के साथ डिजिटल स्क्रीनिंग से इलाज की व्यवस्था का नया सिस्टम तैयार किया जा रहा है। कोरोना की तीसरी लड़ाई के लिए हथियार साबित होगा। बिहार के ग्रामीण इलाकों में स्थित हॉस्पिटल के पीआईसीयू को पटना एम्स से डिजिटल कनेक्ट करने के लिए क्योंसक तैयार किया जा रहा है। साथ ही पटना एम्स के पीआईसीयू को राज्य के अन्य पीआईसीयू डिजिटल माध्यम से जोड़ने के लिए एम्स पटना व स्टार्टअप क्लाउडस्पेकर द्वारा निर्मित टेली पीआईसीयू दृश्य को दिखाया जा रहा है। साथ ही इसके लिए माध्यम से पीआईसीयू को एम्स पटना में तैनात वरीय चिकित्सकों के द्वारा दूरस्थ परामर्श दिया जाएगा। इससे पीआईसीयू में भर्ती बच्चों की चिकित्सा में सहायता मिल सकेगी। बिहार कांग्रेस के सभी दिग्गजों को राहुल गांधी ने बुलाया दिल्ली। बिहार कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मदन कुमार झा सितंबर में अपने कार्यकाल पूरा कर लेंगे। उसके बाद बिहार कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलेगा, लेकिन ये अध्यक्ष कौन होगा इसका प्रयास दौर जारी। इसी बीच राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस के दिग्गजों को दिल्ली दरबार में बुलाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार में सभी कांग्रेस विधायकों, पूर्व विधायक अध्यक्षों और वर्तमान पूर्व सीएलपी नेताओं को दिल्ली तलब किया है। साथ ही साथ सूत्रों के अनुसार समस्त राज्य पार्टी नेतृत्व में बदलाव पर चर्चा के लिए आज बुधवार की बैठक बुलाई गई है। साथ ही वरिष्ठ विधायक ने कहा कि उन्हें इस संबंध में पार्टी के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास से जानकारी मिली। उन्होंने कहा कि हम सभी को राहुल जी के साथ बैठक के लिए मंगलवार या आज सुबह तक दिल्ली पहुंचने के लिए कहा गया। लगभग 35 लोग होंगे शामिल। अगले 24 घंटे में गरज के साथ बारिश के आसार, येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने पटना, नालंदा, शेखपुर, नवादा, लखीसराय, बेगूसराय सहित दक्षिण पूर्व बिहार के भागलपुर, खगड़िया, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया के लिए अलर्ट जारी कर दिया। इन जिलों में अगले 24 घंटे में गरज के साथ बारिश के आसार है। हिमालय की तटहदी से सटे जिले में यह स्थिति बन सकती है। यह अन्य ट्रैफ रेखा बिहार के तटीय
उड़ीसा झारखंड होकर गुजरेगी। साथ ही प्रभाव से 24-48 घंटे में तराई के वाले इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की सी मध्यम वर्षा हो सकती है, एक दो जगह पर भारी बारिश हो सकती है। साथ दक्षिण मध्य बिहार, दक्षिण पूर्व बिहार में वज्रपात, मेघ गर्जन और बारिश की स्थिति बन सकती है। बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए उनके डाइट में शामिल करें ये फूड। बच्चे की लंबाई काफी हद तक उसके खेलने कूदने की स्थिति, रुचि को कुछ उनके खान पान की आदत पर निर्भर करती है। जिनमें से एक चीज की कमी हो जाए तो बच्चे के शरीर का विकास अच्छी तरह से नहीं हो पाता, लेकिन पोषक तत्वों का सेवन शरीर के विकास को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है। हालांकि शरीर की ऊंचाई बढ़ाने और उसके स्वस्थ पोषक तत्वों को खाने की प्रमुख उम्र तक होती है जब आप छोटे होते। जानते हैं कुछ ऐसे फ्रूट्स के बारे में जो बच्चों की शरीर के टिश्यू की मरम्मत के लिए, इम्यून सिस्टम में सुधार करके उनके शरीर को उनके पूर्ण समृद्ध वृद्धि तक पहुँचा के लिए मदद करती है। बीन्स प्रोटीन से भरपूर होती है जो बच्चे के विकास के जरूरी सभी पोषक तत्व प्रदान करने में मदद करती है। बीन्स में आयरन, विटामिन बी और पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं जो बच्चे की डाइट को बढ़ाते हैं। चिकन, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए प्रोटीन सबसे आवश्यक घटक है। बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए प्रोटीन अन्य पोषक तत्वों के साथ अच्छी तरह से काम करता है। प्रोटीन उत्कों की वृद्धि करता है, क्षतिग्रस्त उत्कों की मरम्मत के साथ कमजोर मांसपेशियों के विकास को भी सुनिश्चित करने का काम करता है। बादाम में फाइबर, मैगजीन और विटामिन ई प्रचुर मात्रा में मौजूद होने के कारण कई पोषक तत्वों से भरपूर होते। इतना ही नहीं, बादाम हड्डियों की सेहत को अच्छा बनाए रखने के साथ बच्चों की हाइट को भी तेजी से बढ़ाने में मदद करता है। अंडे प्रोटीन से भरपूर होते जो आपको लंबे बनाने के लिए जरूरी होती है। साथ ही पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मौजूद होते जो आपकी हाइट बढ़ाने के लिए मदद करता है। दूध ऐसे बच्चे के लिए जरूरी होता है जो दूध पीना पसंद नहीं करते, लेकिन दूध से हमें बड़ी मात्रा में कैल्शियम की प्राप्ति होती है जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत कहा जाता है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप में से बहुत सारे जिसने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स के जवाब अच्छे लगे उनके नाम है हस्तमुसुलेखा शेख, रुपेश और मनीष शर्मा। आप हमारे सवाल के जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। बिहार में चकबंदी से जुड़े दस्तावेजों के डिजिटलाइजेशन से अपराध मुक्त ग्रामीण विकास संभव होगा या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जरूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।